रोहिणी किचन यम्मी फूड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज बनाते हैं चीज़ी क्रीमी सा एक बाउल बना रही हूँ मैं, जिसे मैं एक चीज़ क्रीम बाउल का नाम दी हूँ। मैंने ये दूध से बना रही हूँ। दूध जो मेरे यहाँ फट चुका था, 1 किलो दूध था पूरा जो फट चुका था, तो मैंने सोचा कि हमेशा तो कुछ मीठी रेसिपी बनती है या फिर छेना बनाते हैं या उससे कुछ भी, तो आज मैं कुछ नमकीन बनाती हूँ। तो मैंने दूध को अच्छे से छान लिया है। छानने के बाद मैं इसके पानी को अलग से रख दूँगी। पानी को भी हम लोग यूज़ करेंगे। आप आटा गूंथने में या फिर पूड़ी पराठा कुछ भी बनाते हैं तो आटा गूंथने में आप इसे यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और आप इसे चाहे तो आप सब्ज़ी का ग्रेवी में भी यूज़ कर सकते हैं। पानी को कभी भी फेंकिएगा मत दूध का। अब मैंने छेना ले लिया है, जिसे मैं थोड़ा सा पानी इसमें रखी हूँ, बिल्कुल नहीं सुखाई हूँ। इसमें मैं वेजिटेबल ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने पसंद का कोई सा वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। मैंने पत्ता गोभी, प्याज और अच्छे से खूब सारा प्याज ली हूँ, धनिया पत्ती ली हूँ, हरी मिर्च ली हूँ, स्प्रिंग रोल ली हूँ मैं। इसमें बारीक चॉप करके मैं इसमें अच्छे से डाल दी हूँ। बारीक कटा हुआ मैंने लहसुन भी इसमें डाला है और एक हरी मिर्च ले रही हूँ। तीखा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, उसके बाद ओरिगैनो डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ली हूँ मैं, थोड़ा सा नमक लूँगी स्वाद अनुसार से। उसके बाद मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा चाट मसाला, और मेरे होममेड मसाला है वो मैं ऐड की हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। आप चाहे तो थोड़ा सा चावल काटा डाल सकते हैं, पर थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आएगा। आप अगर कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा क्रीमी टेस्ट आएगा। तो इसे मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, हाथ के सहारे से मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। मैंने कई बार देखा है कि कई लोग क्या दूध फटता है तो उसे फेंक देते हैं, ऐसा नहीं। आप दूध फटे हुए दूध से बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं। इसे मैं अच्छे से हाथों से हाथ से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसे एक बाउल का शेप दूँगी, इसे राउंड राउंड मैं कर लूँगी। आप शायद चाहे तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी शेप दे सकते हैं, टिक्की का शेप दे सकते हैं। मैंने इसे गोल गोल बाउल बनाया है। सभी को मैं अच्छे से राउंड राउंड शेप कर लूँगी और इसे मैं फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, ठंडा होने के लिए सेट हो जाएगा। तब तक ये कम से कम आधा घंटा मैंने इसे बना के फ्रिज में रख दिया था अच्छे से सेट होने के लिए। उसके बाद मैं इसे फ्राई करूँगी। आधे घंटे के बाद मैं इसे फ्रिज से निकाल के मैं इसे डीप फ्राई करूँगी। मैंने ऑयल को गर्म कर लिया, इसे मैं इसके टेम्परेचर को मैंने थोड़ा सा कम किया है, क्योंकि ज़्यादा गर्म तेल में डालेंगे तो फिर अंदर से अच्छा से नहीं पकेगा, बाहर से ज़्यादा लाल हो जाएगा। तेल गर्म होते ही थोड़ा सा उसे स्लो कर दीजिए, उसके बाद इसे डालिए। और इसके डालने के बाद इसे चलाना नहीं है, थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए। अपने आप जब ये सिक जाएगा तो अपने आप ये ऊपर आ जाएगा, उसके बाद आप चलाइए। नहीं तो ये अगर तुरंत आप ऐसे करेंगे तो ये टूटने लगेगा। मैं हल्का सा देख रही हूँ कि नहीं हल्का सा टूट रहा है, तो मैं इसे छोड़ दी हूँ, थोड़ी देर और रख दूँगी अच्छे से सिक जाए। तो मैं इसे बार बार चेक कर रही हूँ कि यह बॉटम छोड़ रहा है कि नहीं। बस मैं हल्का हल्का इसे कर दूँगी, तो बस ये सब तरफ से अच्छे से सिक चुका है। इसे मैं पलटाऊँगी। देखिए सीखने के बाद ये अपने आप खुद से ही अलग हो गया है। आप ये गलती मत करिए कि डालते समय इसे चलाइएगा मत, ये तो पूरा टूट जाएगा और तेल भी ख़राब होगा। बस देखिए हल्के हाथों से मैंने इसे सबको पलट दिया। देखिए बहुत ही अच्छा बना, कलर भी बहुत ही अच्छा है। देखिए एक बिल्कुल एक भी नहीं टूटा। आप रेसिपी को इसी मेज़रमेंट से बनाइएगा, बहुत ही अच्छा बना था, एकदम बिल्कुल चीज़ का टेस्ट आ रहा था। आप इसे चटनी चाहे मेयोनीज चाहे सॉस किसी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने सॉस के साथ इसे सर्व किया है। मैंने इसे इसका नाम दिया है चीज़ी बॉल, क्योंकि टेस्ट भी उसका वैसे ही आ रहा था। चलिए इसे मैं सर्व कर दूँगी। चलिए बन चुका है चीज़ी बॉल। आप भी इस रेसिपी किसी मेज़रमेंट से बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए बाहर से एकदम क्रंची, अंदर से एकदम नरम। चलिए आगे कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।